वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास सेकेंड एंड सब्जेक्ट EVS। आवर नाइन चैप्टर इज ओके माई ग्रीन फ्रेंड्स। माई मीन्स मेरे, ग्रीन मीन्स हरे, फ्रेंड मीन्स दोस्त। मेरे हरे दोस्त वो कौन होते हैं? येस, इट्स ऑल आर प्लांट्स। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्क्रैम्बल द नेम ऑफ दिस प्लांट। ये प्लांट्स के नेम हैं जो मिस वर्ड्स दिए गए हैं, आपको स्क्रैम्बल करना है, ठीक से राइट करना है। ओके, तो द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी विच प्लांट इज दिस। येस, दिस इज रोज। नेक्स्ट इज लोटस एंड थर्ड वन इज कैक्टस। यू कैन राइट इट हेयर इन द करेक्ट ऑर्डर, रोज, लोटस, कैक्टस। ओके, नेक्स्ट इज लर्निंग लेटर। स्टार्ट करती हैं चैप्टर को। प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर अस। प्लांट जो होते हैं हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती हैं फॉर अस, हमारे लिए एंड अवर सराउंडिंग, और हमारे आसपास के लिए भी। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पार्ट मीन्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी के हिस्से, पौधों के हिस्से, एंड देयर फंक्शन, यानी और उनके कार्य। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। प्लांट्स के, पौधों के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, एंड ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, कार्य होता है। फर्स्ट वन इज लीव। लीव मीन्स पत्ते। द लीव ऑफ अ प्लांट हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड। जो लीव होती है प्लांट की मदद करती है उनके फूड को प्रिपेयर करने, खाने बनाने के लिए फॉर द प्लांट, पौधे के लिए जो खाना बनाया जाता है वो हेल्प करती है लीव। नेक्स्ट इज लीव आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। लीव को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है ऑफ अ प्लांट, पौधों की। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। अलग अलग प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अलग अलग लीव होती हैं ऑफ डिफरेंट शेप। उनके लीव्स के भी डिफरेंट शेप होता है और साइज होता है। एज यू कैन सी दिस इज पपाया लीव एंड दिस इज मैंगो लीव एंड दिस इज पाम लीव। पाम मीन्स ताड़। ओके, इन सभी का अलग अलग शेप है। पपाया मीन्स पपीते की लीव, मैंगो मीन्स आम की, पाम मीन्स पाड़ की, ताड़ की। सभी का डिफरेंट डिफरेंट शेप है और डिफरेंट डिफरेंट साइज है। तो इसी तरीके से लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, साइज होते हैं। फर्स्ट वन इज ओके नाउ हेयर इज स्पिनच। स्पिनच मीन्स पालक। मिंट मीन्स पुदीना एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया। आर लीव, ये सारी लीव्स हैं, पत्ते हैं ऑफ अ प्लांट दैट वी यूज एज फूड। इसे हम खाते हैं, स्पिनच को भी खाते हैं, मिंट को भी खाते हैं, कोरिएंडर को भी हम खाते हैं। द स्टेम ऑफ अ प्लांट गिव सपोर्ट। स्टेम जो होती हैं, शाखाएं होती हैं, पेड़ को सपोर्ट देती हैं। टू द प्लांट इट फीड्स ऑल द अदर पार्ट। ये दूसरे खानों में भी खाना पहुंचाती हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड वाटर। उनको वहीं खाना प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। कौन? स्टेम। पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक एंड शुगर केन, यानी गन्ना। आर स्टेम विच वी ईट, ये सारे स्टेम है जिसे हम खाते हैं। आलू भी एक स्टेम का, जिंजर भी आप देख सकते हैं स्टेम है, और शुगर केन भी हमारा स्टेम है जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट इज रूट। रूट मीन्स जड़। द रूट हेल्प टू होल्ड अ प्लांट फर्मली। जो रूट जो होती है, जड़ जो होती है, मदद करती है प्लांट को, पौधे को फर्मली यानी मजबूती से टू द सॉइल, मिट्टी के अंदर। दे सॉइल मीन्स मिट्टी। दे स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड, जो अंडर द ग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर फैली हुई होती है। कौन फैली हुई होती है? रूट। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट्स होती है ना, मिट्टी में ही पानी देती हैं जो रूट्स को, प्लांट को, और मिनरल्स भी देती हैं। सम ऑफ द रूट दैट वी ईट, कुछ रूट ऐसी है जिन्हें हम खाते भी हैं। वी ईट आर स्वीट पोटैटो, हम स्वीट पोटैटो खाते हैं। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद। रेडिश मीन्स, यस यू कैन सी रेडिश मीन्स मूली, एंड कैरेट मीन्स गाजर। तो ये सारी हमारी कौन सी है, ये हमारी रूट्स हैं जिसे हम खाते हैं। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, विच वेजिटेबल मेक यू क्राई व्हेन इट कट। कौन सी वेजिटेबल ऐसी है जिससे आंसू निकलती हैं जब आप उसे कट करते हो? द आंसर ऑफ दिस क्विज इज अनियन। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल एंड फ्रूट। फ्रूट मीन्स फल। अब जो प्लांट्स हैं उनके बारे में, फूल और फल क्या होते हैं? द फ्लावर ऑफ अ प्लांट ऑफ्टन, जो फूल के प्लांट होते हैं अक्सर ग्रो इनटू फ्रूट्स, वो अक्सर बड़े होते हैं फ्रूट्स के रूप में। कौन? फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, बड़े होकर फ्रूट बन जाते हैं। मोस्ट फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट कंटेन सीड, ज़्यादातर फ्रूट्स में, फलों में बीज होते हैं, यानी सीड होते हैं बीज। दिस सीड कैन बी प्लांटेड, जो प्लांट पौधे होते हैं, इन द सॉइल, जिन्हें हम सॉइल में यानी मिट्टी में बोते हैं, एंड न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देम, और उससे नया पौधा उगाता है। वेजिटेबल लाइक कैबेज, आप यहाँ देख रहे हैं ना, कैबेज एंड कलीफ्लावर दैट वी ईट। यहाँ कैबेज है और कलीफ्लावर है जिन्हें हम खाते हैं। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। ये प्लांट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। टमाटो एंड ब्रिंजल्स। टमाटो मीन्स टमाटर, ब्रिंजल्स मीन्स बैगन। आर ऑल्सो फ्रूट, ये भी फ्रूट्स ही हैं ऑफ अ प्लांट
पौधों के दैट वी ईट एज अ वेजिटेबल, जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट इज वी ईट द सीड ऑफ मैनी प्लांट्स, हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की पौधों की सीड खाते हैं, बीज खाते हैं एज पल्सेस, जैसे दाल होती है पल्सेस दालें, कैरल्स मीन्स अनाज। दीज इंक्लूड राइस, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि राइस यानी चावल, वीट गेहूँ, कॉर्न मीन्स मक्का, पल्सेस दालें एंड पीस मटर, तो ये सारे हमारे सीड हैं जिन्हें हम खाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड, अब प्लांट जो होती हैं फूड किस तरीके से बनाती हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द लीफ, प्लांट जो होते हैं ना वो अपना फूड तैयार करती हैं लीफ में यानी पत्तों में। दे नीड, उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो एक गैस है, वाटर की, पानी की, न्यूट्रिशंस की एंड सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की, टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना तैयार करने के लिए। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है एंड वाटर पानी मिल जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये सब उन्हें मिट्टी में मिल जाता है। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन वाइल प्रिपेयरिंग फूड, प्लांट जो है जब फूड बनाते हैं खाना तैयार करती है तो वो ऑक्सीजन छोड़ती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और जिस ऑक्सीजन में हम ब्रीथ करती यानी ह्यूमन सांस लेते हैं। हाउ प्लांट हेल्प अस, अब जो प्लांट्स हैं पौधे हैं हमारी हेल्प यानी मदद किस तरीके से करती हैं। प्लांट हेल्प अस इन मैनी वेज, प्लांट जो होते हैं पौधे हमारे कई तरीके से मदद करते हैं। लाइक वी ईट फूड आइटम्स, हम खाने की चीज़ें खाते हैं सच एज वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, ग्रेन्स, अनाज, कैरल्स ग्रेन्स खाते हैं, मक्का वगैरह खाते हैं, कैरल्स अनाज खाते हैं, पल्सेस दालें, नट्स एंड स्पाइसेस मसाले फ्रॉम प्लांट, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है पौधों से। मैनी प्लांट्स सच एज नीम, काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जैसे कि नीम एंड बेजिल यानी तुलसी हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज, इन नीम में और बेजिल में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज प्लांट क्लीन द एयर, प्लांट जो होते हैं पौधे हवा को शुद्ध कर देते हैं। दैट वी ब्रीथ, ताकि हम सांस ले सकें, बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं खाना बनाते टाइम एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, और वो खाना जब बनाते हैं प्लांट्स तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ब्रीथ करते हैं। प्लांट प्रोवाइड शेड, प्लांट जो होते हैं ना पौधे हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, तो ह्यूमन बींग इंसानों को भी, एनिमल्स को भी और बर्ड्स को भी। फिफ्थ वन इज वी गेट क्लोथ, हमें कपड़े मिलते हैं फ्रॉम द फाइबर, फाइबर मीन्स रेशे और थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, हमें कपड़े जो मिलते हैं वो थ्रेड फाइबर्स और थ्रेड धागों से मिलते हैं। ऑफ जूट एंड बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स और जूट से ही मिलते हैं, ये सब भी हमारे क्या हैं, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ये जूट बैग देख सकते हैं और यहाँ एक कॉटन की टी शर्ट भी है, ये सब भी हमें, हमारे कपड़े भी हैं इवन, या खाने की चीज़ें हैं वो सब भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दैट यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू योर सेल्फ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।